आखिरकार कब तक बेरोजगार रहोगे, जल्दी करो नौकरी, बड़ी मौका छोड़ो नहीं, डायरेक्ट भर्ती और बहुत सारा यहाँ पे पद देख सकते हो कि दिया गया है। सीरियस होकर जॉब पाने का चाहत रखो, कौन सा वैकेंसी आया है, कौन सा वैकेंसी आएगा, इस सब पे नज़र रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, तैयारी करो जॉब की और समझ बूझ कर फॉर्म भरा करो। और आपको बता दूँ कि ये फॉर्म फेक नहीं है, लास्ट में आपको प्रूफ भी दिखाऊँगा, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि भर्ती प्रकोष्ठ यहाँ पे विकास सदन INA दिल्ली, भर्ती विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया गया है, जो भर्ती प्रकोष्ठ कर्मी और विभिन्न श्रेणी में भर्ती है। दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट लिंक खुलने की तिथि जी, दोस्तों आपको बता दें कि अप्लाई शुरू आपको 23 मार्च 2020 10 बजे से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा इस वेबसाइट में। तो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो आपको बता दूँ तो 22/4/2020 है, यानी कि 22 अप्रैल तक इस फॉर्म को 6 बजे तक भर सकते हैं। और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो हो गया 25/4/2020 6 बजे तक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो पद यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारा पद है, यहाँ पे पद निदेशक यानी प्रणाली का, यहाँ पे उप निदेशक योजना का, यहाँ पे सहायक निदेशक प्रणाली का, सहायक निदेशक योजना का, यहाँ पे सहायक लेखा अधिकारी, वस्तु कला सहायक और योजना सहायक, अनुभाग अधिकारी, उद्यान सर्वेक्षक, आशुलिपिक ग्रेड डी पटवारी का पद है, और कनिष्क सचिवालय सहायक, सचिवालय सहायक यहाँ पे माली का भी है। और यहाँ पे भर्ती यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दिया गया है कि भरी जाने वाले कुल रिक्तियाँ विकलांग रिक्त एवं दिव्यांग एवं भूतपूर्ण सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्त शामिल है। तो इसमें से यहाँ पे आप देख सकते हो कितना कितना कौन सा कितना कितना सीट है। और यहाँ पे दिया गया है कि रिक्तियों का विभाजन यहाँ पे कैटेगरी बाय यहाँ पे बताया गया कि कौन कैटेगरी में कितना सीट है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स बता दिया गया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिक्तियों योग्यता भर्ती की प्रक्रिया आदि से युक्त विस्तृत अधिसूचना यहाँ पे 23/3/2020 को 10 बजे से दिल्ली विकास प्राधिकार की वेबसाइट, यहाँ पे दिया गया वेबसाइट, इस पर जॉब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2020 पर उपलब्ध होगी, जिससे विस्तृत विवरणों के लिए देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज 20 तारीख यानी कि 23 तारीख से इसका जो हो गया अप्लाई शुरू होगा। तो यहाँ पे क्लियर यहाँ पे दे दिया गया कि रिक्तियों की योग्यता एवं भर्ती की प्रक्रिया आदि से युक्त विस्तृत सूचना यहाँ पे 23/3/2020 को 10 बजे से दिल्ली का जो हो गया विकास प्राधिकार की वेबसाइट पर जॉब डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पर उपलब्ध होगी। तो तब आप जान सकते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन है, विशिष्ट विवरणों के लिए देखा जा सकता है, यहाँ पे लिख दिया गया है। तो अब बात करते हैं कि क्या वैकेंसी फेक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि www.sarkarieexam.com जो हो गया विश्वसनीय, जो आपको जॉब का न्यूज देता है। तो ये वेबसाइट पर भी यहाँ पे दिया गया है कि देख सकते हो कि DDPA पटवारी एवं भर्ती पोस्ट रिक्वायरमेंट 2020 यहाँ पे पूरे यहाँ पे दिया गया है कि नेम पटवारी, ड्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, तो सिलेक्शन ऑफिसर, सेक्शन प्रोफेसर का स्टेनोग्राफर एंड वेरियस पोस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आवेदन शुल्क भी बता दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनरल OBC का यहाँ पे लगेगा 500 रुपया, जनरल OBC EWS का लिए, और SC ST का 500 रुपया है। इसमें स्टार्टिंग 23 मार्च से है और लास्ट डेट 22 अप्रैल यहाँ पे बताया गया है, जो कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे एज लिमिट भी यहाँ पे दिया गया है कि किसमें कैटेगरी में पद में कितना कितना आपको जो हो गया एज रहने वाले हैं। तो यहाँ पे भी आपको कुल पोस्ट भी बता दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो। और आपको बता दूं कि प्रत्येक पद के लिए आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी बता दिया गया है। तो आप यहाँ पे जाकर इस वेबसाइट पर आप देख सकते हो कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाले किन सा पद के लिए। जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ कि जूनियर सेक्रेटरिएट के यहाँ पे स्टेंट का जो हो गया कैंडिडेट है अभी 10+2 इंटरमीडिएट है, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ये इस पोस्ट पद के लिए बता रहा हूँ, और सब अलग अलग पद के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको दिया गया है। और मालिक का भी यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और भी अलग अलग के लिए अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है, यहाँ के आप देख सकते हो 3+2 एनी, तो ये स्टेनोग्राफर के भी इंटर पर है, और सर्वेयर का भी इसमें आपको 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट दिया गया है और 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो अलग अलग पद के लिए अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया गया है। तो आप यहाँ पे आकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आपको बता दें कि यदि आपको PDF जो मैं आपको दिखाया था, तो आपको इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि
क्लिक नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करते हैं तो इसका जो मैंने शुरू में जो आपको पीडीएफ दिखाया हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों न्यूज। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी में बिहार जॉब से रिलेटेड पल पल खबर लेके आता रहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।